जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 50 प्लस कवियों के, हम महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे और ये भी देख लेंगे कि उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, देखिए इसके पहले हम बता दें कि हमने टॉप 20 कवियों की रचनाएं और उनके जो भी पुरस्कार मिले हैं उस सब के बारे में हमने वीडियो बनाई थी, इसका लिंक भी हम नीचे देंगे। इसे देखने के बाद आप इसे भी देख लीजिएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो UP SSSC PET का हो या फिर TGT PGT का हो या फिर UPSI का हो या फिर किसी भी एग्जाम के लिए, मैं कितने नाम गिनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार कहेंगे कि आप दोस्तों अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम कवियों के बारे में उनकी रचनाएं देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले कवि हमारे अब्दुल रहीम खान खाना। दोस्तों इनका मूल नेम क्या है, तो इन्हें रहीम के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये आपको पता है कि अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे। दोस्तों अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो संवत 1610, ठीक है, और मृत्यु संवत 1683 में। दोस्तों इनकी अगर कृतियों की हम बात करेंगे तो रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, श्रृंगार सोरठ और मदनाष्टक। दोस्तों देखिए मदनाष्टक जो रचना है ये यूपी पुलिस में पिछली बार पूछी गई थी। ठीक है, और रास पंचाध्यायी रहीम रत्नावली बरवय नायिका भेद। मेरे दोस्तों क्या बरवय नायिका भेद, तो ये चीजें आप याद रखेंगे इनके बारे में बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए दूसरे हैं दोस्तों अमृत लाल नागर। इनके जन्म की बात करते हैं दोस्तों तो 1916, मृत्यु 1990 मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए अमृत लाल नागर के बारे में जानने से पहले हम एक चीज आपको और बताएंगे कि दोस्तों इन्हें याद रखेंगे 1967 में। क्या दोस्तों 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किस रचना के लिए, तो अमृत और विष। तो याद रखेंगे अमृत और इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 में दिया गया। इसके अलावा दोस्तों इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया। तो दो चीजें याद रखेंगे, 1967 में अमृत और विष के लिए अमृत लाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजा गया है। दोस्तों अब इनकी कृतियों की बात करते हैं दोस्तों, खंजन नयन हो गया, अमृत और विष जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है, और नाच्यो बहुत गोपाल इंपॉर्टेंट है, बिखरे तिनके बात की बात, युवा युगा अवतार, चंदन वन और उतार चढ़ाओ। दोस्तों इनमें से हम एक चीज और आपको क्लियर करना चाहते हैं, जो खंजन नयन है दोस्तों इसमें इन्होंने सूरदास जी की जीवनी लिखी है। क्वेश्चन आएगा कि सूरदास की जीवनी पर आधारित इनकी रचना कौन सी है, तो खंजन नयन है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना कि मानस का हंस भी इनकी रचना है, मानस का हंस, उसमें इन्होंने तुलसीदास की जीवनी लिखी। देखिए मानस का हंस पे तुलसीदास जी की जीवनी इन्होंने लिखी है और खंजन नयन में किसकी, सूरदास जी की जीवनी लिखी है। तो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, सूरदास की जीवनी इन्होंने किस नाम से लिखी, तो खंजन नयन, और तुलसीदास की जीवनी दोस्तों तो किस पे, दोस्तों मानस का हंस नाम। तो चलिए अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। दोस्तों इनके बारे में क्या पूछना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से ये माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा हम बता दें दोस्तों कि इन्होंने ही खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा। क्या खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनके द्वारा ही लिखा गया जिसका नाम है प्रिय प्रवास। तो याद रखेंगे क्वेश्चन आएगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास है, और खड़ी बोली के प्रथम महाकवि पूछ ले कौन है, तो इन्हीं का नाम बता देना हरिऔध जी हैं। ठीक है, अब देखिए इनके जन्म की बात करते हैं 1865, मृत्यु 1947। दोस्तों कृतियों की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे। ठीक है, देखिए काव्य संग्रह तो रसिक रहस्य हो गया, श्री कृष्ण शतक हो गया, और प्रेम प्रपंच हो गया, ऋतु मुकुर हो गया, और रस कलश। दोस्तों ये सभी ब्रजभाषा के काव्य। खड़ी बोली की बात करते हैं क्योंकि इन्हें खड़ी बोली का महाकवि कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा जिसका नाम प्री प्रवास है। तो याद रखेंगे प्री प्रवास मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेम पुष्पहार काव्योपवन और पद्म प्रमोद, और देखिए चोखे चौपादे और चुभते चौपादे ये इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं ना, पद प्रसून बाल विलास बोल चाल दोस्तों, उपहार फूल पत्ते कल्पलता पारिजात, दोस्तों ये पारिजात पूछा था, और वैदेही वनवास ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो आपको प्री प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य और वैदेही वनवास बहुत बार पूछा गया, और पारिजात और चुभते चौपादे और चोखे चौपादे ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगले हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। क्या
उपेंद्र नाथ अस्क जी दोस्तों, इनकी बात करते तो 1910 में इनका जन्म हुआ, 1996 में इनकी मृत्यु की। कृतियों की बात करते हैं, जय पराजय, देवताओं की छाया में तौलिए, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, क्या पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अलग अलग रास्ते जोंक पैतरे, स्वर्ग की झलक, 25 श्रेष्ठ एकांकी, अंजो दीदी, अंजो दीदी इंपॉर्टेंट दोस्तों, और गिरती दीवारें। ठीक है, चलिए अगले है दोस्तों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, जन्म की बात करते हैं 1906 में, मृत्यु 1995 में। जिंदगी मुस्काई दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, माटी हो गई सोना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्षण बोले कण मुस्काए, और आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे, महके आंगन चहके द्वार, बाजे पायलिया के घुंघरू दोस्तों। तो ये हैं दोस्तों किसके, प्रभाकर जी के। ठीक है, चलिए अगले दोस्तों, कबीरदास के बारे में अगर हम बात करें, आपको पहले से पता होगा, ठीक है, तो इनके जन्म की बात करें, सवमत 1456 और मृत्यु 1575 सौमत में। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बीचक नाम से एक रचना की, जिसमें इसके तीन खंड हुए, साखी, सबद, रामायणी। दोस्तों इनके बारे में ज्यादा मत जानिएगा, ठीक है, बस इतना काफी है, साखी, सबद, रामायणी, और इनकी भाषा क्या है, पंचमेल खिचड़ी है ना, और सधुकड़ी। ठीक, तो ये चीजें भी इनसे इंपॉर्टेंट है, तो हमने बता दिया है। ठीक है, चलिए अगले कवि के बारे में बात करते हैं दोस्तों, केशवदास जी। केशवदास को पहले हम बात करेंगे, इनको इनको दोस्तों क्या बोलते हैं, तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कठिन काव्य का प्रेत इनका उपनाम भी है, तो ये भी याद रखेंगे, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं, तो केशवदास जी को दोस्तों। ठीक है, अब देखें इनकी रचनाओं की बात करने तो रसिक प्रिया इंपॉर्टेंट है, कवि प्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामचंद्रिका दोस्तों, जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता, क्या छंदों का अजायब घर भी कहा जाता दोस्तों, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, और वीर सिंह देव चरित दोस्तों, ये केशवदास की हैं। अब वहीं अगर हम बात करते गजानन माधव मुक्ति वो दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका सबसे अगर इंपॉर्टेंट हम कोई बात करें रचना की दोस्तों, ठीक है, 13 नवंबर 1917 को जन्म और 11 सितंबर 1964 को मृत्यु। अगर इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना की हम अगर बात करें, तो चांद का मुंह टेढ़ा मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल भी पूछा था, अंधेरे में काठ का सपना, ये पूछा था है, कामायनी एक पुनर्विचार दोस्तों, कामायनी जयशंकर प्रसाद के, और एक पुनर्विचार इनकी है। ठीक है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र दोस्तों। चलिए अब देखते हैं गुलाब राय। देखिए गुलाब राय भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, गुलाब राय के बारे में पता होगा आपको, ठलुआ क्लब इनकी मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जन्म 1888 1963 में मृत्यु दोस्तों, ठलुआ क्लब बहुत बार पूछा जाता। ठीक है, नवरस सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, हिंदी नाट्य विमर्श, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी काव्य विमर्श, और भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, भारत का सांस्कृतिक इतिहास, मेरी असफलताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी असफलताएं दोस्तों, मेरे निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, राष्ट्रपिता, मन की बातें, और संपादन इन्होंने किसका किया है, किसका पत्रिका का, तो सत्य हरिश्चंद्र नामक पत्रिका का, क्या किया इन्होंने, संपादन भी किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए घनानंद दोस्तों, इनका मूल नाम क्या, घनानंद था। ठीक है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इनकी रचनाओं की बात करते हैं, तो कवित्व समव्यय के संग्रह है, और इश्कलता इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीत प्रवास, प्रेम पत्रिका, अनुभव चंद्रिका दोस्तों। ठीक है, और देखिए और दोस्तों विरह लीला हो गया। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि रस केली दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है घनानंद जी के। ठीक है, चलिए अगला है चंद्र वरदाई, जिन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी कहते हैं। देखिए प्रथम महाकवि कहते हैं, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, सरहपा है दोस्तों, ये चीज आप मत भूलिएगा, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहते हैं, और इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि बोलते हैं, क्योंकि इनकी एक रचना है जो पृथ्वीराज रासो दोस्तों, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। क्या अगर क्वेश्चन आएगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आप बता देंगे चंद्र बरदाई जी द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो दोस्तों। और देखिए ये पृथ्वीराज रासो को इन्होंने पूरा नहीं किया था, इनके पुत्र जल्लड़ द्वारा इसे संपूर्ण किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, चंद्र बरदाई दोस्तों आदिकाल के कवि थे, जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो नाम ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसे भी दोस्तों छंदों का जायक भर कहते हैं, क्योंकि इसमें 68 छंदों का प्रयोग इन्होंने किया था। चलिए अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, उसने कहा था, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना, ये एक ऐसी कहानी जो फ्लैशबैक पर आधारित है। ठीक है, फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित पहली कहानी कौन सी, उसने कहा था दोस्तों, तो ये याद रखेंगे, तो इनकी कृतियों के बारे में उसने कहा था, ये फ्लैशबैक पर आधारित पहली रचना है दोस्तों। बुद्धू कांटा, घंटा घर, धर्म परायण रीछ,
और सुखमय जीवन, हीरे का हीरा, ठीक है, और दोस्तों झुकी कमान, भारत की जय, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत पूछा था निबंध, है ना, कछुआ धर्म मारेसी मोहि उठाऊ, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो उसने कहा था और ये वाला जरूर याद रखना दोस्तों, ठीक है, चंद्र शर्मा गुलेरी, ठीक है। चलिए अगला है जगदीश चंद्र माथुर की बात करते दोस्तों, तो इनकी रचना दोस्तों भोर का तारा इंपॉर्टेंट है, घोसला मेरी बांसुरी कोणार्क, दोस्तों ये पूछा था कोणार्क, ठीक है, सार दिया पहला राजा ओ मेरे सपने, दोस्तों भोर का तारा और दोस्तों कोणार्क ये क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है हमारे, नेक्स्ट कवि कौन है, देखिए जयशंकर प्रसाद की अगर हम बात करते हैं, इन्हें कलाधर के नाम से जानते हैं दोस्तों, इनका नाम क्या याद रखना, कलाधर के नाम से इन्हें जाना जाता है। जन्म 1890-1937, मृत्यु दोस्तों, इनकी कृतियों की बात करते हैं तो प्रेम पथिक हो गया, महाराणा का महत्व तो बहुत बार पूछा गया दोस्तों, करुणालय, कानन कुसुम, आंसू लहर, झरना, कामायनी, दोस्तों कामायनी क्या है, महाकाव्य दोस्तों याद रखेंगे, प्रायश्चित हो गया, राजश्री, विशाख दत्त, कामना, अजात शत्र, और दोस्तों स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, कल्याणी, परिणय, और जन्मेजय का नाग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्रुव सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक घूंट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। इसके बाद प्रतिध्वनि हो गया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, तितली और कंकाल, इरावती, दोस्तों इरावती क्या है, अपूर्ण है दोस्तों, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो इनकी दोस्तों इन्हें क्या बोलते हैं, कलाधर के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास, दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिए इनका रामचरितमानस आपको पता होगा कि इन्होंने संस्कृत भाषा का अनुवाद इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस के रूप में किया है, ठीक, रामायण का अवधि भाषा में, अवधि बोलिए दोस्तों हिंदी की, उसमें किया है, ठीक है, याद रखेंगे। रामलला नेहरू मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, छंदावली रामायण और छप्पे रामायण दोस्तों इनकी रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, ठीक है, किसकी, गोस्वामी तुलसीदास जी की, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले हैं दोस्तों देवकी नंदन खत्री दोस्तों, क्या देवकी नंदन खत्री दोस्तों, तो इनकी रचनाएं क्या है, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर और अनूठी बेगम, भूतनाथ, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति दोस्तों, तो ये याद रख लेंगे देवकी नंदन खत्री के बारे में दोस्तों, क्या देवकी नंदन खत्री के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं धर्मवीर भारती दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी अगर बात करते हैं हम धर्मवीर भारती जी की, तो इन्हें दोस्तों व्यास सम्मान दिया गया 1994 में, क्या 1994 में व्यास सम्मान दिया गया, किस रचना के लिए, तो दोस्तों सपना अभी भी के लिए, किसके लिए दोस्तों, एक चीज याद रखेंगे, इनकी रचना थी सपना अभी भी, क्या दोस्तों, सपना अभी भी, सपना अभी भी के लिए दोस्तों 1994 में व्यास सम्मान दिया गया दोस्तों, ठीक है। और इनकी रचनाओं की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कनुप्रिया, बहुत बार पूछी कि गुनाहों का दोता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंधा युग, युद्ध यात्रा, सूरज का सातवां घोड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नदी प्यासी थी, बहुत बार पूछा गया, ठेले पर हिमालय, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां, प्रगतिवाद, एक समीक्षा, सिद्ध साहित्य दोस्तों, इनकी सारी की सारी रचनाएं मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। और 1994 में व्यास सम्मान किस रचना के लिए, सपना अभी भी के लिए दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले दोस्तों नागार्जुन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इनका मूल नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र नाम है, ये नागार्जुन और यात्री के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो इनकी रचनाओं की बात करते हैं, तो सतरंगे पंखों वाली, युगधारा, अकाल और उसके बाद, बहुत दिनों बाद, शासन की बंदूक, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पुरानी जूतियों का कोरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, नई पौध इंपॉर्टेंट है, रतिनाथ की चाची, बहुत बार पूछा गया, बलचनामा दोस्तों, बाबा बटेश्वरनाथ, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, दुख मोचन, चमानिया का बाबा, उग्रतारा, वरुण के बेटे और इमरतिया दोस्तों, सभी के सभी रचनाएं इनकी क्या हैं, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगले हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, तो इनकी बात करते दोस्तों, इनकी बात हो गई, हटी हमीर हो गई दोस्तों, काली प्रभाव और कलिकौतुल, गौ संकट, भारत दुर्दशा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है इनकी, तो ये याद कर लेंगे दोस्तों। और संगीत शकुंतल दोस्तों क्या है, पदात्मक नाटक है, चुवारी खुआरी दोस्तों प्रहसन है, ठीक है, तो भारत दुर्दशा इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला दोस्तों देखते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी की, इनको दोस्तों धनपत राय के नाम जानते हैं, इनका मूल नाम क्या है, धनपत राय दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। और इनकी रचनाओं की बात करते हैं, वरदान हो गया, वरदान में क्या है, इन्होंने प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण किया है, प्रतिज्ञा क्या है, इसमें विधवा जीवन की समस्याओं पर आधारित है दोस्तों, सेवा सदन किसमें है, वेश्या समस्या पर आधारित है दोस्तों, और प्रेमाश्रय क्या है, जमींदारों के संबंधों का चित्रण किया गया इसमें, ठीक है। और दोस्तों निर्मला है, यह लघु उपन्यास दहेज प्रथा और अनमेल विवाह पर
आधारित है। रंगभूमि क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों ऐसे पात्रों का वर्णन किया गया, देखिए ऐसी घटनाएं बहुत ही बहुलता, कथानक की ऐसी व्यवस्था और पात्रों की ऐसी प्रचुरता इसमें मिलती है दोस्तों। कायाकल्प है, ठीक है, गबन है दोस्तों, क्या गबन है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनकी रचना कौन सी है, कर्मभूमि हो गई दोस्तों, गोदान दोस्तों, ठीक है, ये कृषक जीवन पर आधारित है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोदान। तो इनकी सारी सारी रचनाएं आपने देख ली दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों अगर इनकी हम कहानी संग्रह देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सूर्य वतन, जिसको अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था दोस्तों, ठीक है, इसे अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था दोस्तों। और सप्त सरोज दोस्तों, ठीक है, नवनिधि, प्रेम, पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी इंपॉर्टेंट है, लाल फीता, कफन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद प्रेम पच्चीसी होगा दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें तो अग्नि समाधि हो गया और कुत्ते की कहानी, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि इनकी जो नाटक है दोस्तों, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी, चंद्रहार दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों, इन्हें धरती का धन कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, और धरती का धन कहते हैं, और इन्हें आंचलिक कथाओं के जन्मदाता बोलते हैं, क्या आंचलिक कथाओं के जन्मदाता। आंचलिक क्या होते हैं दोस्तों, जो एक क्षेत्र विशेष के बारे में लिख देना वही आंचलिक होते। तो इनकी रचनाएं मैला आंचल दोस्तों, ये प्रथम आंचलिक उपन्यास है दोस्तों, याद रखेंगे प्रथम आंचलिक उपन्यास, इसी से आंचलिक कथाओं की शुरुआत होती दोस्तों। तो मैला आंचल, ठीक है, प्रति परिकथा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम दोस्तों, ठुमरी, दीर्घ तपा, ठीक है, आदिम रात्रि की महक दोस्तों, तो लाल पान की बेगम इंपॉर्टेंट दोस्तों, पलटू बाबू रोड, ठीक है, पंच लाइट, तो ये याद रखें मैला आंचल इनकी मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रति परिकथा और लाल पान की बेगम है ना, और दोस्तों पलटू बाबू रोड इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगले हैं बालकृष्ण भट्ट दोस्तों, क्या बालकृष्ण भट्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इनका समाचार पत्र दोस्तों, जो इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक समाचार पत्रिका का संपादन किया दोस्तों, याद रखेंगे इनके बारे में। साहित्य सुमन, एक अजान सुजान दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नूतन ब्रह्मचारी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंद्रसेन, बाल विवाह, भट्ट निबंधमाला और दोस्तों दमयंती स्वयंवर, वेणु संहार दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात करते थे, एक अजान सुजान और दोस्तों हिंदी प्रदीप जिसका इन्होंने संपादन किया, और नूतन ब्रह्मचारी ये इंपॉर्टेंट है बालकृष्ण भट्ट के। अगले हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन दोस्तों, नवीन के बारे में बात करते हैं, इनकी जो महाकाव्य है उर्मिला है दोस्तों, और प्राणार्क है, ठीक है, कुमकुम है दोस्तों, अपलक है, ठीक है, और दोस्तों विनोबा स्तवत है ना, और हम विस्पाई जन्म के दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, हम विस्पाई जन्म के दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बालकृष्ण शर्मा नवीन की। बिहारी दास की बात करते दोस्तों, इन्होंने बिहारी सत्सई नामक एक रचना की, और इसी से दोस्तों इसी में ही इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया, और बहुत ही ज्यादा क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गए दोस्तों। चलिए अब देखते हैं भगवती चरण वर्मा के दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पतन चित्रलेखा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, तीन वर्ष रेखा, सबई नचावत, राम गोसाई इंपॉर्टेंट है, टेढ़े मेढ़े रास्ते इंपॉर्टेंट है, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, इंस्टॉलमेंट दोस्तों, दो बांके, मधुकरण, प्रेम संगीत, एक दिन मानो, बुझता दीपक चौपाल दोस्तों, ठीक है। चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें दोस्तों हिंदी साहित्य का पिता भी कहते हैं, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहते हैं, तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। इनके मौलिक नाटक की बात करते हैं तो वैदेही हिंसा हिंसा ना भवति दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दोस्तों सत्य हरिश्चंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप दोस्तों। वहीं अनुदित नाटक की बात करते हैं तो रत्नावली हो गया, पाखंड विडंबन हो गया, ठीक, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस दोस्तों, कर्पूर मंजरी, दुर्लभ बंधु, ठीक है। और उपन्यास की बात करते तो शीलवती, चंद्रप्रभा प्रकाश, रामलीला, हमीर हट दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर काव्य संग्रह की बात करते हैं तो प्रेम मालिका, ठीक है, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप और विजय वल्लरी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन है। चलिए दोस्तों तो भीष्म साहनी के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो इनकी जो एक रचना है तमस, ठीक है, तमस के लिए इन्हें दोस्तों 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो याद रखेंगे तमस मोस्ट इंपॉर्टेंट है भीष्म साहनी जी की, और झरोखे कड़ियां, भाग रेखा, पहला पाठ, भटकती राख दोस्तों। वहीं बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, बारहमासा है और बारहमासा दोस्तों, ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
हैं, तो इनको आप याद रख लेगा, ठीक है। चलिए महादेवी वर्मा के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आधुनिक युग की मीरा कहलाती है दोस्तों, महादेवी वर्मा। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि 1982 में दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, किसके लिए, तो यामा के लिए। ये आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, महादेवी वर्मा दोस्तों यामा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में, ठीक है। चलिए इनकी रचना की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों निहार रश्मि नीरजा सांध गीत, और यामा तो है ही दोस्तों, दीप शिखा सप्तपर्णा तथा हिमालय, अतीत के चलचित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमत की रेखाएं, पथ के साथ ही, मेरा परिवार, श्रृंखला और कड़ियां दोस्तों, और सांधनी क्षणदात्री, तो मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी दोस्तों, इनकी काव्य मंजूषा हो गई, सुमन हो गया, ठीक है, काव्य कलाप, कालिदास का की समालोचना, ठीक है, नाट्यशास्त्र, साहित्य सीकर, ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा इनको कहते हैं। अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें दोस्तों, तो इनको दोस्तों पहला हिंदी साहित्य पुरस्कार देगा, क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम देगा, किसके लिए, हिम तरंगिणी के लिए दोस्तों, ठीक है, 1955 में। तो याद रखेंगे इन्हें पहला साहित्य का सम्मान देगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 1955 में दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इन्हें एक भारतीय आत्मा कहते हैं। इनकी रचनाएं बात कर लें तो हिमगिरिटनी, हिम तरंगिणी, माता, युगचरण, वेणुले गूंजे धारा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, कृष्णार्जुन युद्ध होगा, कला का अनुवाद, वनवासी, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे दोस्तों, बोल रंगों की बोली। चलिए मीरा की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी दोस्तों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके यूपी पुलिस में कई बार पूछी भी जाती है, क्योंकि गीत गोविंद का टीका और नरसिंह जी का मायरा, सोरठ के पद और राग गोविंद, मीरा का मल्हार और गरबा गीत दोस्तों, राग विहार और फुटकल पद हो गए। मैथिली शरण गुप्त दोस्तों, क्या मैथिली शरण गुप्त दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, इनको दोस्तों याद रखेंगे। देखिए रंग में भंग, जयद्रथ वध इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, भारत भारती इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, किसान हो गया, ठीक है, पंचवटी हो गया, ठीक है, और दोस्तों गुरुकुल हो गया, झनकार हो गया, साकेत मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों महाकाव्य है, यशोधरा, द्वापर, ठीक है, नहुस, ठीक है, और दोस्तों हिडिंबा, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों इनके बारे में आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, जैसे साकेत हो गया, यशोधरा हो गया, भारत भारती, जयद्रथवत हो गया, द्वापर हो गया, ये इनकी मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनको राष्ट्रकवि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले हैं मोहन राकेश दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना है दोस्तों कई एक अकेले, ठीक है, पांचवे माले का प्लाट, अषाढ़ का एक दिन दोस्तों, अंडे के छिलके दोस्तों याद रखेंगे, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे और क्वार्टर इनकी क्या है दोस्तों रचनाएं हैं, तो याद रख लेंगे, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगले हैं रसखान, तो रसखान के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों इनकी सुजान रसखान और प्रेम वाटिका दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राम कुमार वर्मा की बात करते हैं दोस्तों, तो बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिवाजी और दोस्तों रूप रंग हो गया, और कौमुदी महोत्सव हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इनकी बात करें, मेरे सर्वश्रेष्ठ एकांकी हो गए, ठीक है, और अमृत की खोज, खट्टे मीठे एकांकी, अमृत की खोज, खट्टे मीठे एकांकी दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत याद रखेंगे, चित्तौड़ का चिता हो गया, ठीक है, संत रैदास हो गया, और ओ अहिल्या दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं दोस्तों, तो जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत की भूमिका, तुलसीदास ग्रंथावली की भूमिका, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में दोस्तों, दिनकर के बारे में याद कर लेना कि 1972 में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों, ठीक है, तो वर्षी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। उसके अलावा देखिए रेणुका हो गया, ठीक, हुंकार, द्वंद गीत, रसवंती, कुरुक्षेत्र दोस्तों, और बापू, शामधेनी, धूप और धुआं, रश्मि रथी दोस्तों, उसके अलावा ये उर्वशी दोस्तों, उर्वशी हो गया, परशुराम की प्रतीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, नीम के पत्ते इंपॉर्टेंट, सिफी और शंख, ठीक है, संस्कृत के चार अध्याय ये भी इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेती के फूल, ठीक है, अर्धनारीश्वर, हारे को हरिराम, और दोस्तों राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। चलिए अगला है पंडित राम नरेश त्रिपाठी दोस्तों, तो इनकी रचनाओं की बात करते हैं, तो पथिक मिलन, स्वप्न मानसी, कविता कौमुदी, ग्राम गीत, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता। वही बात करते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की, तो गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, लाल तारा और मील के पत्थर दोस्तों, इंपॉर्टेंट मील के पत्थर, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले हैं राहुल सांस्कृत्यान दोस्तों, ये देखिए घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे दोस्तों, ठीक है, तो इनकी कृतियों की बात करते हैं, जीने के लिए, ठीक है, विस्मति
यात्री, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न दोस्तों। और दोस्तों इनकी अगर बात करते हैं, सप्तमी के बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोलगा से गंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनैला की कथा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों तिब्बत में बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे, मेरी जीवन यात्रा दोस्तों, ठीक है, कार्ल मार्क्स और माओ त्से-तुंग दोस्तों। तो ये आपको मध्य एशिया का इतिहास दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे कौन है दोस्तों, अगले हैं विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर से अगर बात करें दोस्तों, तो इन्हें दोस्तों 1993 में अर्धनारीश्वर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों। आवारा मसीहा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्धनारीश्वर तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। दूर और पास, प्रकाश और परछाई, नीली झील, दहकती भट्टी है ना, तपोवन की कहानियां, अमर शहीद भगत सिंह, पाप घड़ा दोस्तों, और 12 एकांकी दोस्तों, ठीक है, एक और कुंती। तो ये इंपॉर्टेंट है विष्णु प्रभाकर जी की। अगला दोस्तों वृंदालाल वर्मा, जिन्हें हम क्या बोलते दोस्तों, क्या बोलते हैं इनको हम दोस्तों, चंदर बरदाई बोलते। कहां का? बुंदेलखंड का चंदर बरदाई। क्या? बुंदेलखंड का चंदर बरदाई। और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, गढ़ कुंडहार होगा, बिराटा की पद्मनी पूछा गया क्वेश्चन है, झांसी की रानी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इंपॉर्टेंट, कचनार पूछा था दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कि मृगनयनी भी पूछा था है, अहिल्याबाई, माधव जी सिंधिया तथा भुवन विक्रम दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट झांसी की रानी, ये तो इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना। देखिए इनकी रचनाएं पूछी जाती आपके आपके परीक्षाओं में दोस्तों। शिवमंगल सिंह सुमन दोस्तों, शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में अगर बात करते हैं, तो इन्हें दोस्तों 1997 में मिट्टी की बारात के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये याद रखेंगे, मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में दोस्तों, ठीक है। विंध्य हिमालय हो गया, पर आंखें नहीं भरी, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय सृजन और हिलोर दोस्तों। और दोस्तों मिट्टी की बारात मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वास्यागे दोस्तों, इनका जन्म कहां हुआ था? तो कुशीनगर में दोस्तों। तो इनकी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले याद रखना कि इन्हें 1978 में कितनी नाव कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इनकी रचनाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो भग्नदूत हो गया, चिंता हो गया, हरी घास पर क्षण भर दोस्तों, बावरा अहेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ठीक, आंगन के पार द्वार, ये इंपॉर्टेंट, कितनी नाव में कितनी बार दोस्तों, इस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, ठीक है, पहले मैं सन्नाटा बुनता था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और महावृक्ष के नीचे दोस्तों, ठीक है, विपथगा होगा। क्या? विपथगा होगा, त्रिशंकु होगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों तार सप्तक आपको पता है, इन्होंने तार सप्तक भी प्रकाशित किए थे, तो ये चीजें आप याद रख लेंगे इनसे दोस्तों, अज्ञे जी से, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दोस्तों, अगर इनके बारे में बात करते हैं, तो इन्हें भी मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983 का, किसके लिए? खूंटियों पर टंगे लोग के लिए दोस्तों। चलिए इनके बारे में बात करते हैं, काठ की घंटियां इंपॉर्टेंट है, बांस का पुल, एक सुनी नाव, जंगल का दर्द इंपॉर्टेंट दोस्तों, कुमानो नदी, ठीक है, क्या कहकर पुकारूं, ठीक, खूंटियों पर टंगे लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लड़ाई, बकरी अब गरीब हटाओ दोस्तों, ठीक है, बकरी हो गई और गरीब, अब गरीबों गरीबी हटाओ दोस्तों, कल भात आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए पागल कुत्तों के मसीहा दोस्तों, पागल कुत्तों का मसीहा दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ये भी आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनकी बात याद करें, मुकुल हो गया, इनकी रचना त्रिधारा हो गया, और सीधे साधे चरित्र, बिखरे मोती उन्मादिनी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्या है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बता दें कि इनको चिदंबरा के लिए दोस्तों 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और दोस्तों कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चिदंबरा के लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों, याद रखेंगे। इनका उच्छ्वास हो गया, परिवर्तन हो गया, वीणा ग्रंथि हो गया, ठीक है, और दोस्तों निर्झर ज्ञान, मधुकरी और निर्झरी, गुंजन, ज्योत्सना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, युगांत, युगांतर, युगमाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, लोकायतन दोस्तों, और कला और बूढ़ा चांद, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दोस्तों, तो निराला जी के बारे में अगर बात करें, देखिए अनामिका हो गया, परिमल हो गया, गीतिका हो गया, राम शक्ति पूजा, तुलसीदास, ये इंपॉर्टेंट, तुलसीदास, कुकुर मुत्ता दोस्तों, नए पौधे, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अणिमा हो गया, ठीक है, और दोस्तों सरोज स्मृति, ये पहला शोक शोक रचना है दोस्तों, ठीक है, सबसे अच्छा शोक रचना है, भक्त और भगवान हो गया, ठीक है, कला की देवी, ठीक है, कुल्लू कुल्ली भाट दोस्तों, काले कारनामे, कुल्ली भाट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो चीजें आप देख सकते हैं, बिल्लेसुर बकरियां दोस्तों, ये हास्य के ऊपर लिखी गई इनकी है ना, महाराणा प्रताप
प्रताप दोस्तों, ठीक, प्रहलाद और महाराणा प्रताप दोस्तों। तो ये हैं इनकी किसकी दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। चलिए अगला देखते हैं, सूरदास की बात करते हैं दोस्तों। तो सूरदास के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, और इनकी जो खंजन नयन दोस्तों, खंजन नयन इन्हीं के ऊपर जीवनी लिखी थी अमृतलाल नागर ने, ठीक है। चलिए सूर सागर हो गई दोस्तों, साहित्य लहरी सूर सागर सारावली, ठीक है, और दोस्तों नागलीला हो गया, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी और सूर पच्चीसी दोस्तों, ठीक है, और सूर सागर सार दोस्तों। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे दोस्तों, तो बाण भट्ट की याद था मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशोक के फूल मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें तो मेघदूत दोस्तों, देखिए मेघदूत तो आपको पता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी रचना है, तो ये चीज़ें याद रखें। अगला है हरिवंश राय बच्चन दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन इनकी बात करते हैं दोस्तों, तो इन्हें प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया था दोस्तों इनकी चार दोस्तों आत्मकथाओं के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों देखते हैं तेरा हार इंपॉर्टेंट, खय्याम की मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत गीत, आकुल है ना अंतर, और दोस्तों विश्व विकल विश्व शतरंगनी और हलाहल दोस्तों, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाच घर, आरती और अंगारे, चार खेमे 64 खूंटे और दोस्तों दो चट्टाने 10 द्वार से सोपान तक दोस्तों, ठीक, नीड़ का निर्माण फिर है ना। तो दोस्तों ये सब इनकी रचनाएं हैं, और दोस्तों आज हमने देख लिए हैं कम से कम दोस्तों 55+ कवियों को हमने देखे, 50+ कवियों के बारे में हमने देख लिया है। कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। और ये हमारी ई बुक है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, इसमें पूरी हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, रचनाएं होंगी, कवि और उनके जन्मस्थान होंगे, उनके उपनाम होंगे दोस्तों, और ये आपको 50 रुपये में PDF के रूप में मिल जाएगी। आप अगर इसे परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें होगा, ठीक है, और हिंदी में प्रथम क्या इस प्रकार के 120+ पॉइंट भी होंगे दोस्तों। अगर आप परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, इस नंबर पर हमें 50 रुपये पेटीएम, गूगल पे या फिर फोनपे करके हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, व्हाट्सअप पे इसी नंबर पर आपको ये PDF के रूप में दे दी जाएगी। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।